अरे भी नहीं पीने देते, जिधर देखो जाते। डेविड, तुझे देखकर देख छोटू कैसे भाग रहा है। हाँ ना, आओ भाई। वोन चाय पिला। डेविड, हमारे पास तो कोई काम धंधा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। लेकिन तुमने कहा था तुम्हारी एक बहन भी है, तुम तो उसके यहाँ भी रह सकते हो ना? मेरे फैमिली वालों ने पहले भी मुझे नहीं समझा, अब समझ पाएंगे या नहीं क्या पता। लेकिन जाके मिलूंगा जरूर। भाई स्पेशल चाय। डेविड, जब से तुमने छोटे को मारा है ना, तब से तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है। ला टॉस दे। ये लो सर। यही है क्या? नहीं नहीं, ये नहीं है। तो फिर ये है क्या? इसको तो दिखता ही नहीं है सर। तो वो किधर है? इधर ही होगा, ढूंढता हूँ ना। मेरे को लगता है इधर होएगा। क्या बोला? उठ बे। ना, ये नहीं, क्या? नहीं, ये भी नहीं है। नहीं है? फिर किधर गया वो? उठ। ये तो नहीं। नहीं सर, ये भी नहीं है, ये तो नया नया आया है। अबे तो फिर है किधर? सर वो देखो, वो भाग रहा है। भैया भैया क्यों बे, कोई तकलीफ है क्या? मेरे को घूर रहा है। बहुत चर्बी चढ़ी है, किसी ने अपनी जबान चलाई ना तो काट के रख दूंगा। ए छोटे। हाँ सर। उठा के समंदर में फेंक इसे। ठीक है। रघुवीर सिंह इस कैंप का सिक्योरिटी ऑफिसर है, जिस किसी ने इससे पंगा लिया उसका यही हाल होता है। विमल जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर 5-6 लोगों की जरूरत है, वहाँ और भी काम है उसने कहा था। ए, इधर आ। मैं? हाँ तो इधर आ। चल बैठ इस पे, थाने चलने का है। क्यों साहब, क्या हो गया? एक अपराधी भाग गया है, के लिए तेरे को अंदर रहने का है, मैं पैसे दूंगा तेरे को। नहीं साहब, मैं नहीं आ सकता। तो आएगा या नहीं आएगा तेरे को पूछने के लिए नहीं आया मैं इधर। चल बैठ। नहीं सब मैं मुझसे सवाल पूछेगा? नहीं सब मुझे मना करेगा तेरी तो। डेविड, हम बागी जरूर हैं लेकिन घोड़े नहीं है। सुनो, मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर दिया। अगर तुम्हें कुछ और करना है तो ये 4 दिन के बाद बाहर आ जाएगा, फिर तुम्हें जो करना है कर लेना। भगोड़ा नहीं हो, क्या क्या बोल रहा था उस दिन? क्या हो गया, कोई तेरे को बचाने नहीं आया क्या? अभी तो बाहर निकल दिखाता हूं तेरे को। चुना पोतने के लिए 5 लोग चाहिए। मैंने कहा था ना,
रोज काम के लिए ऐसे ही चुनता है। ए ढीले तू, तू भी आ, ए जाड़िया आ जा, लोखंड उठाने के लिए तीन चाहिए, आ जा मुच्छेड़, तू भी आ, हाँ तू भी चल, पत्थर तोड़ने के लिए तीन लोग चाहिए, रवि तू आ जा, हाँ कपिल आ जा, ए मोटे आ जा चल। हाँ तो आज बस इतने ही, बाकी जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा, अब जाओ 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 चलो। अरे जाओ ना, मुखिया देख रहे हो, जाओ जाओ। दिहाड़ी मिलते ही कमीशन मिल जाना चाहिए, वरना एक एक का फेफड़ा निकाल के रख दूंगा, याद रखना। चलो चलो गाड़ी खड़ी है, जाओ 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 चढ़ जाओ जाओ जा। ए भैया, आपके लिए एक नंबर काम चुन के रखा है और आप जा रहे हैं, चलो ना। पैसे अच्छे मिलेंगे तो आएंगे, उसके बारे में बेफिक्र रहो। सलाम भाई। हाँ भाई आ गए हैं। क्या रे? सलाम भाई। इतनी देर काहे को लगाई? चलो चलो भाई, बोला था ना दो लोग है। आओ, ये डेविड है, रंजीत है। सलाम। बोलिए सर। मैंने मुंबई में एक पार्टी को मछली सप्लाई करने के लिए बोला था, अब ट्रक वालों ने काय को तो भी स्ट्राइक कर लिए, क्या करूं मियां, कुछ समझ नहीं आ रहा। मछली खराब होने वाली चीज है, वक्त से पहले पहुंच जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, पगार कितनी मिलेगी? वैसे तो लोगों को 3,000 देते हैं, स्ट्राइक है तो तुमको 3,500 दे देंगे। 5,000 लेंगे। क्या रे, ये लोग तो मुंह फाड़ रहे हैं। अगर मछलियाँ खराब हो गई तो क्या करोगे, फेंक ही दोगे ना? अरे हाँ बोल दो ना भाई, ये लोग काम कर लेंगे। वाह छोटे, जैसा कहा वैसे ही किया तूने, अपना हिसाब हो गया। अगर सामान पहुंच गया तो अपना फायदा है, और अगर नहीं पहुंचा तो डबल फायदा। भाई मैं आपको फोन करता हूँ, आप निकलो, बताता हूँ मैं आपको। डेविड, उस छोटे को तो और दो लगानी चाहिए थी। क्यों रे? एक ही थप्पड़ में 5,000 का काम दिलवाया, दो लगाए होते तो दोनों को 5-5 का काम मिल जाता। मछली सड़ न जाए उस डर से दे दिया उसने। ऐसे लोगों का डर ही हम लोगों की ताकत है। डेविड, हम सब ये काम खत्म करने के बाद एक हफ्ते तक मुंबई में खूब मजा मस्ती करेंगे, फिर लौटेंगे। मैं भी दीदी से मिलके आ जाऊंगा। तुम दोनों गाड़ी से नीचे उतरो। गाड़ी में क्या है? क्या साहब, नाक बंद है क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं, इतनी बास आ रही है, मछली ले जा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा क्या? ए राजू सर, गाड़ी चेक करो। जी सर। ये देखे सर, हीरे। पांडे क्या हो गया? मिल गए सर। दोनों को टपका दे। ठीक है सर। Yeah!
डेविड, जब एक मछली में इतने हीरे हैं, तो बाकी में कितने होंगे? अगर इसे बाजार में बेच दें, तो बहुत पैसा मिलेगा। चुपचाप इन्हें बेच के अपनी जिंदगी सेटल कर लेते हैं। क्या बोलता है? सामान जहां पहुंचाना है वहीं पहुंचेगा। जय राम जी की। जय राम जी की। हाँ, क्या बात है, आज जल्दी उठ गए आप। हाँ हाँ, ठीक है। अरे ओ राजू। हाँ भाई। गर्मा गर्म चाय कॉफी बना। ठीक है भाई। लगता है जल्दी दुकान खोल दी। क्या करें, धंधा कम है, दुकान जल्दी खोलनी पड़ती है, नहीं तो गुजारा कैसे चलेगा। हाँ ठीक बात है। अरे याद है ना रामू। हाँ मालिक। नैदे में नमक नहीं डालना है। ठीक है मालिक। मैं पहले डाल चुका हूँ। ठीक है मालिक। हाँ बोलो। अच्छा देख, वो गाड़ी वाला माल लेकर आ गया है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल याद है मुझे, काम हो जाएगा, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। हाँ जय राम जी की। जय राम जी की। वो यहाँ पे रामेश्वर। मैंने आपका नमस्कार बोल के स्वागत किया, आपको भी जय राम जी की बोलना चाहिए। जय राम जी की बोलना चाहिए? हाँ, लेकिन मुझे तो सलवा से मिलना है। सब मुझे उसी नाम से बुलाते हैं। वैसे आप क्या खाएंगे नाश्ते में? इडली, डोसा, पाव भाजी, समोसा, पूरी? मछलियाँ लेकर शायद मैं गलत पते पर आ गया हूँ, चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए, आइए प्लीज। आप बिल्कुल सही पते पे आए, भाई ने ही भेजा है ना? जी हाँ बिल्कुल। आप गाड़ी पीछे लगाइए, मैं अभी आता हूँ, जाइए। पीछे मतलब? मतलब पीछे के रोड की तरफ लेकर आइए, लीजिए।